अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये विंडो 10 है, ओरिजिनल है, लेकिन लैपटॉप पे जब इंस्टॉल हुई है उसके बाद आपके सामने ये देखें, इसमें ना विंडो डिफेंडर ओपन होता है ना इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी लेते हैं। ये देखें सामने MS सेटिंग आ जाती है और ना इसका सेटिंग ओपन होती है, ना कंट्रोल पैनल ओपन होता है और ना स्टार्ट मेन्यू में जाएँ तो मसला होता है। ये सारे मसले का हल हमने नेट पे भी सर्च किया, सब कुछ किया और कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। इसमें जैसे स्टार्ट स्टार्ट मेन्यू में जो भी हम क्लिक करते हैं वो ओपन ही नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर लें ओपन नहीं होता, पहले तो ये भी नहीं होता था, अभी स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। तो इन सब का एक ही हल आपके सामने है, हमने क्या किया, कितनी तगोदो कितनी मेहनत की है, ये देखें यहाँ पे भी हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने का भी कोई इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रही। ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास विंडो का अगर मसला ये ऐसा है तो उसका हल क्या है, वो माइक्रोसॉफ्ट में उसका बेहतरीन हल है, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ फिर उसका हल कैसे हुआ है जब ये मसला आए तो। अभी दोस्तों यहाँ पे देखें ये विंडो डिफेंडर कैसे ओपन होगा, ये देखें क्लिक किया और ओपन हो गया विंडो डिफेंडर, अंदर कितने फॉल्ट हो या क्या थ्रेड उसने फाउंड किए हैं वो नज़र आएंगे। तो इसके बाद डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टी लेते हैं, वो भी थीम वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, आ जाती है पहले जो नई सामने आ रही थी। स्टार्ट में जाके हम यहाँ पे ये देखें हम सेटिंग आ सकती है, पहले हम रन में लिखते थे कंट्रोल पैनल, अभी वो कंट्रोल पैनल वैसे ही नॉर्मल रूटीन पे जैसे ओपन होता है विंडो का। ये सारे सॉल्व हो गए हैं, इश्यूज और एरर्स सॉल्व हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट अपडेट असिस्टेंट से, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट असिस्टेंट से मसला हल हुआ है। तो अगर को आपको विंडो 10 में मसला है, चीज़ें ओपन ना हो, सेटिंग ओपन ना हो, या डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी डिस्प्ले में ना जाए, तो उसका एक ही हल है कि माइक्रोसॉफ्ट असिस्टेंट की अपडेट वो फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है वो डाउनलोड कर लें, तो उसे अपडेट थोड़ा टाइम लेगी लेकिन उसके बाद ओपन हो जाएगी। Thank you.